हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट लेआउट। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए HTML5 और CSS3 पे कंप्लीट कोर्स का सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और एक बात और फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के बाद हम लाइव वेबसाइट पर भी काम करेंगे, जिससे आपको वेबसाइट बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ HTML5। HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML5 is the fifth version of HTML, that is the World Wide Web Consortium, जिसको बोलते हैं W3C, जिसको रिकमेंडेशन किया गया था 2014 में। HTML5 define 8 new semantic elements. सेमेंटिक क्या होता है, जिसका कोई एक मतलब निकले, एक मीनिंगफुल वर्ड बोलते हैं सेमेंटिक। जैसे सेमेंटिक एलिमेंट हुआ हेडर, सेक्शन, फुटर। HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग, मतलब HTML कोई भी एलिमेंट लिखते हैं तो उसको टैग के अंदर लिखते हैं। स्टार्ट टैग को बोलते हैं हम ओपनिंग टैग, और इन टैग को बोलते हैं हम क्लोजिंग टैग। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम HTML5 का पेज स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये HTML5 का पेज स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जब भी आप HTML पेज स्टार्ट करें, HTML लिखना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले टॉप पे डॉक टाइप HTML जरूर लिखें। ये क्या होता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइन दिस डॉक्यूमेंट टू बी HTML5, मतलब ये कि डिफाइन करता है कि ये जो पेज बना है HTML5 में बना है, और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। HTML5 से पहले जो भी वर्जन होते थे HTML4 के, HTML4 चाहे 0.01 जो भी है, तो उसमें डॉक टाइप को डिक्लेयर करना बहुत कठिन होता था, बहुत लंबा लिखना पड़ता था। बट HTML5 में बस आपको डॉक टाइप HTML लिखना पड़ेगा। फिर बारी आती है HTML टैग की। HTML टैग इज़ द रूट एलिमेंट, मतलब क्या, HTML जो भी टैग है वो रूट एलिमेंट है, वो जड़ है HTML पेज को स्टार्ट करने के लिए। फिर बारी आती है हेड टैग की। हेड टैग क्या होता है, हेड टैग में हम मेटा इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कोई पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन हुआ, चाहे मेटा इन्फॉर्मेशन हुआ, मेटा कीवर्ड हुआ, मेटा डिस्क्रिप्शन हुआ, मेटा टाइटल हुआ, पेज लिंक हुआ, कुछ भी हुआ टाइटल, हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, हेड टैग के अंदर लिखा हुआ कोई भी चीज़ आपको वेबसाइट पर विजुअल नहीं होगा। फिर बात आती है मेटा चार सेट की। मेटा चार सेट होता है क्या है, चार सेट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द करेक्टर, मतलब हमारी वेबसाइट कौन से लैंग्वेज बनी है, क्या है, हम मेटा चार सेट में डिफाइन करते हैं। पेज टाइटल आपको पता ही है, पेज टाइटल क्या होता है कि हमारा जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का टाइटल क्या है वो डिफाइन करते हैं। फिर बात आती है बॉडी टैग की। फ्रेंड्स, बॉडी टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी टैग क्या होता है, द बॉडी एलिमेंट्स कंटेंट्स द विजुअल पेज कंटेंट, मतलब जो भी पेज, जो भी चीज़ हमें विजुअल होता है वेबसाइट पे, वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाता है। आप देख सकते हैं H1 टैग को लिखा गया है, P टैग को लिखा गया है, जो भी चीज़ हमें विजुअल होता है वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कुछ HTML के टैग्स, बेसिक टैग, सेमेंटिक टैग, फॉर्म्स टैग, इमेज टैग। बेसिक टैग क्या है, डॉक टाइप HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। सेमेंटिक टैग क्या है, फॉर्म्स टैग क्या है, इमेज टैग क्या है, टेबल टैग क्या है, ऑडियो वीडियो टैग क्या होते हैं, लिंक टैग क्या होता है, इन सारे टैग के बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपने HTML के टैग्स को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि HTML आपको आ गया, क्योंकि HTML में और कुछ है ही नहीं। HTML का जो स्ट्रक्चर है वो टैग के ऊपर ही निर्भर है। अगर आपको सपोज डेट, अगर आपको टेबल बनाना है तो टेबल में कौन कौन से टैग यूज होते हैं और कहाँ यूज होते हैं, टेबल टैग कैसे यूज होता है, TH टैग कब होता है, TR टैग, TD टैग, ये सारे टैग, मतलब HTML टैग के ऊपर ही निर्भर है। तो आपको टैग को अच्छी तरीके से जानना जरूरी है। फ्रेंड्स, हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि टैग को कैसे डिफाइन और कैसे यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स,
बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हम मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।